आप देखिए ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है और भूस्खलन आपका अतिवृष्टि आना सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना जल भराव हो जाना लगातार मैं स्वयं की समीक्षा कर पाई थी और हमारे सभी विभाग ने जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को सनातन के प्रचार प्रसार के लिए अध्यात्म के क्षेत्र में हमारे सभी लोगों को जोड़ने के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में बनेगा। मैं सबको शुभकामनाएं। सर उत्तराखंड में काफी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे, आज आपके आने से बहुत खुश है। मैं निश्चित रूप से मैं भी स्वयं बहुत खुश हूँ जो है इससे पूज्य धाम में मेरे यहाँ पर सम्मिलित हो पाया। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशन महाराज जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में ये बुराड़ी में जो केदारनाथ बाबा की नींव रखी गई है, ये सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों की शुभकामनाएं हों और सनातन संस्कृति को और मजबूत करने के लिए और जो लोग केदार बाबा उत्तराखंड नहीं जा पाते उनके दर्शनों के लिए उसी रूप में केदार बाबा का यह नींव पत्थर रखा गया है। आने वाले समय में यहाँ भवन निर्माण होगा और देश के प्रदेश के सभी श्रद्धालु यहाँ केदार बाबा के आकर दर्शन करेंगे। मैं इसके लिए सभी मीडिया कर्मियों का, सभी ट्रस्टी कर्मियों का, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं करता हूँ कि देश की सनातन संस्कृति के लिए अपनी पीढ़ियों के लिए आने वाले समय के लिए ऐसे भव्य मंदिर और सनातन प्रचार के लिए अपनी संस्कृति के लिए हमें ऐसे कार्यों में जुड़ना चाहिए और अपने और भी देश के अंदर बहुत बड़े बड़े भवन निर्माण करने चाहिए ताकि हमारी संस्कृति हमारा सनातन और बढ़ सके। जय श्री राम। ओम नमो नारायण। देना चाहूंगा राम नारायण अग्रवाल जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने भूमि केदारनाथ धाम समिति को दिया है और सुरेंद्र रोतेला जी मेरे शिष्य हैं, विधायक महेश जीना जी हमारे शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि 2.5-3 साल में हम मंदिर को बना करके भक्तों के बीच में भक्तों को समर्पित करेंगे। मुझे लगता है यह कार्य केवल दिल्ली के लिए नहीं, दिल्ली के आसपास जितने और राज्य हैं उनके लिए बहुत बड़ी कृपा महादेव की है और आनंद का विषय है। केदारनाथ जी का भव्य मंदिर यहाँ निर्माण होने जा रहा है और भूमि पूजन संतों के बीच में, राजनेताओं के बीच में, भक्तों के बीच में, आप जैसे मीडिया के जो बड़े लोग हैं उनके बीच में इस दिव्य भूमि का पूजन विधिवत संपन्न हुआ। मैं तो पुनः सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि निर्विघ्न यह कार्य पूरा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए और वो हमारे सभी परिवार हैं। मैं उनके साथ तन मन धन से, साधु के पास धन तो होता नहीं है, तन मन और आशीर्वाद होता है, तो मेरा भाव है कि यह मंदिर निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो और अभिघ्न तरीके से इस मंदिर का कार्य समर्पित होकर के, पूर्ण होकर के दिल्ली के भक्तजनों को समर्पित किया जाए। मंदिर जो बन रहा है उसमें कोई सरकार का भी योगदान है? सरकार से तय कर लेंगे, सरकार उत्तराखंड इनकी सरकार है, हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम इनके हैं, हम इनसे अलग नहीं है, सरकार इनसे अलग नहीं है। सरकार से जो भी ये आग्रह करेंगे निसंदेह सरकार उसको सहर्ष स्वीकार करेगी। और बात मैं पूछना चाहूंगा, गौ माता की हम बात करते हैं, यहाँ भी कोई अच्छा अनुष्ठान होता है, हम गौ माता की जय बोलते हैं, लेकिन कई जगह गौ माताओं की गौशालाएं खोली गई है, उसमें राशन उनको प्रॉपर नहीं मिलता, अगर रस्ते में आप देखेंगे तो पन्नियां छुट्टी गाय मिलेंगी। हमारी सनातन की हम बात करते हैं तो ये कहां तक क्या विषय है, दुख का विषय है कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, अगर कोई गौशाला खोलता है तो उनको गायों की ध्यान रखनी चाहिए, गायों की सेवा करनी चाहिए। बहुत गौशाला हैं जहां खूब बड़ी सेवा है गायों की, कुछ गौशाला हैं जहां सेवा नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी जो बात है मैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए उन गौशाला संचालकों से मैं आग्रह करता हूँ कि उस गौशाला में वो विधिवत संचालन करें। आप हमारी गौशाला में भी कभी देखने आओ, आपको अच्छा लगेगा कि गायों को हम स्वयं से अधिक मानते हैं, हम जो खाते हैं उससे अधिक अच्छी व्यंजन हम गायों को खिलाते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरी दुनिया की माँ है, गाय पूरी दुनिया की माँ है, इसलिए गायों की रक्षा करने वाला सदैव रक्षित तो होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गौ माता में। बहुत बहुत धन्यवाद।